हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सिगल चित नाई के मिनी, और आज हम आखिरी बार हॉस्टल से हाजिर हो चुके हैं। दिस इज गोना बी माय लास्ट व्लॉग इन दिस हॉस्टल बिकॉज वी आर गोइंग टू वीकेंड इट बिकॉज इट्स द हाई टाइम दैट वी शुड डू इट। एंड आज हमें न्यू ड्यूज कराने जाना है और हमारी मैम अभी तक सो रही हैं और इनको बोला गया था कि 10 बजे उठ जाना है, बट शी डजंट केयर। ठीक है, तो अब हम आज पूरा दिखाएंगे आपको। हमने एक फ्लैट लिया है तो हम दिखाएंगे कैसे शिफ्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और आपकी प्यारी स्निग्धा हमारे साथ नहीं है गाइस, बट आई एम मिसिंग हर सो मच। तो अभी हम चलते हैं कॉलेज नहा के, और अपडेट लाइफ अपडेट के हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है और इन 2 बाल्टियों से हम पूरा दिन चलाएंगे। हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है गाइस, तो मिलते हैं। पीने का भी नहीं आ रहा है, खाने का भी नहीं आ रहा है, धोने का भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है पानी, इन शॉर्ट। तो चलते हैं कॉलेज फॉर दी वन लास्ट टाइम। हम आ चुके हैं कॉलेज में और मैं ब्लॉक करना भूल गई थी, और अभी हम बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट भूल चुके हैं वो सब कर रहे हैं। इसने अपनी रिसीट घुमा दी है एंड अब हम मिलते हैं की बोर्डन ऑफिस में। चुके हैं खाने लास्ट टाइम फॉर आवर कैंटीन, इन आवर कैंटीन। कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा, गर्मी में। गाइस, हमारा प्रिय चाय इज हियर। कॉलेज के नोटिस कराने बट नहीं हो पाए हैं बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट घर छोड़ा है। डे और अनदर मैस विद मी, और आज फाइनली दिन आ गया है, पैकिंग करने वाले हैं और इसको फिर से मैंने उठा दिया है। मुझे तो रोना आ रहा है क्योंकि मैं तो बहुत रो रहा हूँ, और गाइस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे चीज़ों से लगाव नहीं है, लोगों से, और लोग यहाँ से चले जा चुके हैं और जो लोग बच्चे हैं उनको लेके जा रही हूँ साथ में। तो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सैड, आई विल बी सैड। गाइस अभी पैकिंग देखिए, अभी आप पैकिंग देखिए, अभी देखिए गाइस, ये मेरा सामान ऑलरेडी पैक्ड है। मेरा सामान है जो अभी बाहर नहीं निकला है, जो मैंने नहीं यूज़ करती हूँ, और ये हाँ 2 साल में यूज़ नहीं कर पाई हूँ, और ये है जो मैंने यूज़ थोड़ा बहुत किया है। बाकी कपड़े तो 2-3 पहनती हूँ, आपको देखते होंगे, एक ब्राउन शर्ट और यहाँ है एक बैग। अब ये सब पैक करना है, और इस पेंटिंग को भी पैक करना है जो इसने बनाई थी, कैसे करूँगी आई डोंट नो। और ड्रीम अजीब गिर गया था तो वो गिरा ही रह गया, अब अच्छे से बनाऊंगी, नया मोटिवेशन बनाऊंगी नए घर में। चलो अब पैकिंग करते हैं, सजाऊंगी। यस, याद आ रही थी ना प्राची और देखो बोला था कि लाइक डिस्कशंस वेरी हैवी कॉन्फ्रेंस। और ये मेरा बैग मॉड्यूल, इसमें पल्ले भी पैक हो सकती है आराम से, पल्ले की लाश भी पैक हो सकती है। शुरू करते हैं बैग। Look at the mess. हमारे पास इतना ज़्यादा सामान है कि वो पैक नहीं हो पा रहा है। ये देखिए क्या करें हम, थोड़ा एनी सजेशंस। 3-4 बैग पैक हो चुके हैं और कपड़े घर छोड़ के आया हूँ। और गाइस बाय बाय टू दिस नॉट यूजफुल, नॉट सो यूजफुल रूम C11। बाय, इट वाज यूजफुल फॉर मी। ओके गाइस, देख रहे हो इमोशंस आते हुए। गाइस घर तो घर ही होता है, अपना कमरा तो अपना कमरा ही। और गाइस मेरा तो नहीं आ पा रहा है, 2 साल कम से कम 15-20 बैग चाहिए पड़ी। गाइस देखिए सोनम की सारी पैकिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैम जाने के लिए अपने नए घर में। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बट सोनम का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना कि हम लोग पार देख, गाइस इसके लिए स्माइल देते हैं ना, कोई काम नहीं किया है। शीज पैनिकिंग, जल्दी करो, ले पागल हो गई गाइस। और मैंने जो हमारा लोडर है उसको 8 बजे का टाइम दिया है, लेकिन ये कर रही लोडर, जल्दी खाना खा, ये कर ऑब्वियसली लोडर बुलाया है। हां तुझे नहीं पता क्या कैसे जाएंगे गाइस? ठीक है गाइस, आधा डिस्कशन मैनेजर ने कराई नहीं है, एचआर आपको बाद में बताएंगे। हां ड्यूटी गाइस, यू नो सारे मैनेजमेंट में करूंगी। मोबाइल से पैकर्स इतना खराब गाइस, तेजी से काम चलते हुए बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ये किसी और का लेके आए हैं क्योंकि हमारे पास बचे ही नहीं है, और ये सब फेंकते जा रही हूँ, मम्मी की याद है अपनी। चलो मिलते हैं।
पैकिंग फाइनली, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, 21 बैगों के साथ चेतना दिन तैयार है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेतना का सामान है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और गाइस बहुत भावुक होते हुए मैं, कोई भावुक नहीं है गाइस, इसको बस लोगों से लगा हुआ और लोग तो इसके साथ जा ही रहे, तो नहीं नहीं आप मुझे ऐसे हेट कर रहे हैं। दुख बस इस बात का है कि हम लोग अपने साथ ही नहीं ले जा सकते हैं, मतलब हमने रियली इसमें बहुत मेहनत करी थी इसको, मैंने कोई मेहनत नहीं की थी, बट इन लोगों ने मेरे लिए बनाई थी, मेरी याद में बनाई। शी इज अ बिच, आई विल मिस दिस रूम, दिस रूम हैज सीन सो मच रोलर कोस्टर राइड दैट वी इतनी लड़ाई करी है इस रूम में, इतनी लड़ाई, और अभी सिर्फ हम लोग दो तीन पास टू थ्री वीक्स तो ऐसे लड़ाई करी हम लोगों ने, मतलब इट वाज फन। इसने दिया हमें सिक हेयर रूम, सो I love this room. B17 guys. नहीं 18. 18. B17 भी प्यारी है हमारा सौम्या, I love you, miss you, Snigdha, I miss you. Guys तुम सब भी हमारे साथ होते तो बहुत मजा आता। गाइज हम सपना और प्राची अनन्या शालिनी सब 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 बहुत बहुत इतनी सारी याद है बस हॉस्टल में कि छोड़ते हुए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट क्या कर सकते, मतलब कि चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट और वी हैव टू डू इट, सो वी आर डूइंग इट, बट द मेमोरीज एक बार आप देख लीजिए लास्ट टाइम, यहाँ हम लोग ने इतनी मस्ती की है ना गाइज, पूरे पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ बहुत किया है, वी गोना मिस दिस एंड बाय गाइज, एंड दिस वन ऑल्सो गाइज, दिस वन टू आर हैज आर हार्ट, गाइज अब शुरुआत हो चुकी है जाने की निकालने की। गाइज ये हमारा वॉशरूम सब बाय ढुनाई, इतना सारा लेके जाने पड़ रहा है, इट्स सो टफ ये सब। और अभी मैं दिखाती हूँ बाहर कितना सामान है लाए हुए, कूलर का पानी पीते हुए जो इसने लाया था। अब ये है हमारी प्यारा कॉरिडोर और मैस, जिसके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज तो नहीं है बट स्टिल हैज आवर हार्ट, क्या कहना चाहिए, देखना कितना थक गई गाइस इतने सामान ढोडो के, वो पिक रही है हम आपको नहीं दिखा पाए जो थी, वो बहुत ही दर्दनाक। अभी आपको सामान दिखाऊं, पूरा लोड हो चुका है हम तो ले जाएंगे अपनी गाड़ी के साथ, तो कौन भरेगा, हम जाते हुए अपनी हॉस्टल को छोड़ते हुए एंट्री करते हुए अंकल के कहने पे, अंकल आप खुश हैं आज हम एंट्री कर रहे हैं, बहुत आखिरी बार एंट्री करते हुए अंकल आज बहुत खुश, बाय। कितने चक्कर आज, तीन चक्कर नहीं करिए, तुम्हें तो कभी कभी किया, हाँ कभी करा, अंकल हमें याद करोगे, आप याद करोगे हमें, करोगे ना, ऐसे एंट्री किसको कहोगे ना, इसका नाम बताना, मोटू डेस्टिनेशन, और उतार रहे हैं हम सामान, वहाँ तक लेके जाना है, लोडिंग वगैरह की ज़रूरत है, अंकल को कांटेक्ट करना, उनका डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, अंकल आप ले जाओगे ना कम पैसों में, हाँ। मेरा नाम बता देना गाइज, पूरा सामान चढ़ा लिया है, इट्स अ विक्टरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द न्यू होम, और हम बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सफाई वाला भाई अभी तक नहीं आया है, सोनम ने हमारी पूरी सफाई कर ली और उसका
काइंड ऑफ शिफ्ट हो चुका है और मी एंड माय थिएटर मेरी फ्रेंड हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और गाइस इतना रोना आ रहा है, गाइस हमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया अपने डिसीजन पे शक होते हुए? गलत डिसीजन नहीं लिया है गाइस, थोड़ा टाइम तो लगता है एडजस्ट करने में, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं। सफाई वाला आ जाएगा तो सारा काम फटाफट। गाइस सफाई भी हो रखी है गाइस, गाइस मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते सफाई या कोई काम करने। गाइस मैं बहुत बहुत मैं ना फ्लैट में लेने लायक नहीं हूं, आई थिंक मुझे चाहिए कि लेने लायक नहीं, तुझे चाहिए काम करने वाले। यस और गाइस गाइस तो अगर इसके लिए कोई शादी का रिश्ता भी इतना तो कोई ऐसा घर भेज दे जिसके घर नौकर हो, नौकर हो करो गाइस, हमारी बूढ़ी तो काम ना कर पाएगी, ना कर पाएगी गाइस, ना कर पाएगी गाइस। मैं मर रही हूं लिटरली, मैं तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे ना, भूख लगी तो। हाँ गाइस लाइफ अपडेट अगेन, हमारा कूलर टूट चुका है, मतलब एक ही जो सहारा था और मैंने इसके थोड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी बट इट डिडंट वर्क। गाइस हम आराम से ना, देखो ये पंखा चल रहा है ऐसे मार मार के चल रहा है, तो हम लोग ने सोचा कूलर में सोएंगे, मैं वहाँ सोई पूरी रात नींद नहीं आई, फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं यहाँ आऊँगी सोऊंगी क्योंकि ये मेरा गद्दा है मुझे यहीं नींद आती है। तो मैं आई और मैं सोने की कोशिश की और 5 बजे सोई और 6 बजे नहीं 7-8 बजे नींद खुल गई बिकॉज उसमें पानी डालना था। मैडम ने मैडम उठी और मैडम पानी डाला, पैर में छुपेगी बहुत दुख है यार हमारा। गाइस क्यों हो रहा है हमारे साथ, मेरा कूलर टूट गया गाइस। बालकनी देखो आप, द व्यू धूप के साथ हमारा प्यारा व्यू, इतना खराब व्यू, इतना अच्छा तो है हरा हरा। बस गाइस धूपे बंद कर देते हैं, अभी नहीं बताना क्या होता है इसको प्रॉब्लम। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कुछ खाने पीने को जाते बाय। अपना पूरा जमा चुकी है और मैं अगेन बस बैठी हुई हूँ और हमें एक मिला है फाउंडी जैम, अब इसको खाएंगे हम बिकॉज हम बहुत भूखे हैं। हमारा नाश्ता आ चुका है और हम रेडी हैं नाश्ता करने के लिए हमारे नए घर में। ये अनदर अपडेट, हमारे सफाई वाले भैया आ चुके हैं, पल्लवी इनको लेके आ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैम गाइस मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस हम वेट कर रहे हैं कि अंकल सफाई कर दे तो हम लोग अपना सामान अरेंज कर पाए एंड सोनम बेबी अंकल को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एंड मैं दे चुका हूँ और अब थोड़ी देर बाद चेन्नई की बारी आने वाली है। एंड गाइस मैंने साथ साथ में दी है, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हम लोग को पूरा अंकल के आगे मुझे घूमना पड़ रहा है क्योंकि सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है एंड वो थोड़ा पीछे आया है तो उनसे भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और अनदर कि हमारे पास पानी नहीं है, उन कैंपर वाले को 50 बार कॉल कर चुकी हूँ और वो कूलर के लिए भी 5 इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर चुके हैं। सफाई वाले अंकल आज मिले बहुत मुश्किल से और हम लोग कल से बस ऐसे बस सोने के लिए बेड डाल के बस सोए हैं और अब द रियल जॉब स्टार्ट्स नाउ गाइस। अडल्टिंग इज वेरी 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 हार्ड, इट इज हिटिंग हार्ड बट हम कर लेंगे, मतलब हमने सोचा था कि फ्लैट लेके मजे आएंगे और बहुत मजा आएगा, मजे करेंगे, फ्रीडम मिलेगी, बात कुछ नहीं हो रहा है, क्या है इट्स ओनली काम 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 कि ये कौन करेगा वो कौन करेगा वो कौन करेगा। और अभी अभी तो जो शिफ्ट हुए हैं अभी जब हम लोग घर रहना शुरू कर देंगे लाइक एक्चुअल में खाना बनाना एंड ऑल दैट तब आप देखना कि हम लोग कितना रहेंगे। और ये लड़की स्प्रिट चूल्हा देखती है गाइस, इसका तो कंपटीशन ही नहीं है हम लोगों के साथ गाइस, बहुत कठिन है। अब क्या पता मैं फिर से हॉस्टल वापस चली जाऊँ, नेवर नो। पूरे बैग वहाँ खोलो इसको गाइस, पानी भर दे बाल्टी में। सफाई करने के बाद फाइनली हम खाना नसीब हुआ है और हम टूट चुके हैं। मैं दिन में भी खाना मिला था तो मत बोलो। यस हमारे दोस्त ने खाना दिया, गाइस ब्लेस्ड। दिस इज
वॉज अ डे टू ऑफ अडल्टिंग और हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है गाइस, दो दिन हो गए हैं पानी नहीं आ रहा है, अब देखते हैं। पल्लवी बीमार हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप, मजे आ रहे हैं इस जिंदगी को जी के कि नहीं? अगर पानी पूरे टाइम आएगा तो मैं मजे ले लूंगा, अभी नहीं गाइस। पानी गाइस गिर चुकी है गाइस, मैं सब कुछ ब्लॉक। इट्स 12 एट नाइट गाइस, इसकी बॉल मिल चुकी है और हम अपने किचन सेटअप कर रहे हैं और लिटरली आपको एक चीज, हाँ गाइस देख लीजिए, हमारा इतना सामान है लिटरली कि हम एक घर सेटअप कर ही लेंगे कुछ दिनों में यहाँ पे। और हमारी चम्मच देखिए, चम्मच का कलेक्शन, यू कैन सी दैट, और भी है गाइस, हमने वैसे चुराए हैं, वैसे कुछ लेके आए हैं नहीं, चम्मच जरूर लेके आए हैं, अभी भगवान का सेटअप बाकी है गाइस। यादों का महल गाइस, स्टे अपडेटेड, अडल्टिंग डे 4, दिस इज डे एंड ऑफ अडल्टिंग एंड वी आर सेटिंग आवर गैस, और जिसमें स्वास्तिक बना रही है हमारी न्यू आस्था और हमारी सेफ सपना के साथ। आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं मेन्यू में, क्या नाम? खीर, पूड़ी, पुलाव, रायता, जल रहा है कुछ रखो। हमारी सोनम भी मजदूरी वाला काम कर रही है और मजदूर है, और आज हमारी पल्लवी भी इतने बड़े बड़े बर्तन, इससे बड़े बर्तन धोती हुई, कैसा फील कर रही हैं आज आप? शेफ हूं मैं गाइस, आज आप लोगों को खाना बना के दिखाऊंगा, सही में दिखाऊंगी कि अकेले जज करेगी कि कैसा बना सब। और इसका क्या खीर बनाने वाली गाइस, मैंने कभी नहीं खाई है, कद कद की खीर, लौकी की खीर गाइस, आई नेवर हैड इट। अब मैं भी कुछ करती हूं, आपको दिखाती हूं, मैं ये बनाती हूं और फिर मिलते हैं बाद में जब खाना बन जाता है। गाइस प्रोफेशनल शेफ द्वारा इस चॉपिंग हो रही है गाइस, चॉपिंग, एंड यहाँ पे देखिए गाइस हम अमीर भी हैं थोड़े से, दो शेफ है गाइस हमारे, क्योंकि आज पहला दिन है ना गाइस, इसीलिए हम थोड़ा अमीरपन दिखा रहे हैं, दो हेड शेफ है और गाइस मेरा काम आपको। सबकी ना शादी के लिए सब रेडी है, कैमरा चालू कर दिया अचानक से। अभी हमारी सोनम को पूरा तैयार कर दिया है शादी के लिए, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, और उनके कलर के हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे शादी कोई नहीं करने हो चुकी है और रायते की प्रिपरेशन चल रही है और प्रोग्रेस, ये नहीं, ये मुझे पहली चीज टेस्ट करनी है, ठीक ही है, मतलब सपना ने कोई अच्छा चीज नहीं बनाया है, ठीक ही बनाया है। कुत्ती पल गई, अभी नमक ठीक है, हाँ मिर्च ठीक है, आलू, एंड आई एम गोना टेस्ट इट, गाइस मैं खूब भर चुकी हूँ मैं खाके, मैं इतना टेस्टी है रे, थैंक यू गाइस, वी डिजर्व अ थैंक यू गाइस, अगर आप कभी रहे तो मुझे हाइक चाहिए जल्दी में। देखो जो सोनम द्वारा तली जा रही है और इनको देखिए गाइस, लुक एट द ब्यूटी, देखिए गाइस कितनी फूल रही है पुड़िया, नहीं गाइस देखिए मेरी तरह फूली हुई पुड़िया, पल्लवी के द्वारा तहरी होता ना, और प्लेटिंग, लुक एट द पूरी, लव एंड खीर, दिस वाटर, खाना देखिए एकदम रेडी है और हम भी एकदम रेडी है खाने के लिए, मैं तो खा रहा हूँ भाई, हम वैसे अच्छा ही है, मिलते हैं बाद में गाइस, इट्स अनदर डे और हम दूसरा खाना बना रहे हैं, मैं
गाइस और आज क्या बन रहा है बताइए। आज कढ़ी चावल एंड परवल की सब्जी एंड रोटी। और गाइस हम साथ साथ चले जनमेंट लड़ाई थी हम साथ साथ साथ। गाइस मैं जी बन चुके और सोनम अपनी नई टेक्निक से कढ़ी बनाती हुई और इसने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन हमने लड़ाई नहीं की है क्योंकि लड़ाई करेंगे तो खाना गंदा बनेगा। गाइस मैं आपको भजिया दिखाती हूं। कड़ी एंड अमाउंट ऑफ पीपल डूइंग वर्क फॉर दैट गाइस यू कैन सी दैट 1 2 3 4 और मैं भी थोड़ा कुछ कर रही हूँ। मम्मी है